नमस्कार, मैं ईशा प्रतिहस्त आपका स्वागत करती हूँ 10 न्यूज़ में। आज हमारे साथ मौजूद है युवा नेता राष्ट्रीय सचिव अमरीश पांडे जी, जिनसे हम बात करेंगे लखीमपुर हिंसा के मामले में, जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है और कांग्रेस पे क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे 10 न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद 10 न्यूज़ का कि किसानों के मुद्दे पर बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। सर, जिस तरह से लखीमपुर हिंसा हुआ है, किसानों को रौंदा गया है, इस पर आपको क्या कहना है? कई पार्टी वहाँ पे गई है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह। आम आदमी पार्टी ने जैसे कैसे जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में भी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, तमाम हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने उन किसानों की शहादत पर, उनके संवेदना के लिए कैंडल मार्च किया है। और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जी खुद, जो कि बिना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको 24 घंटे से ऊपर समय से अरेस्ट करके रखा है। देखिए, मैं इस हिंसा को, अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो इसको मैं, जो जालियांवाला बाग कांड हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, जनरल डायर ने जो गोलियाँ चलवाई थी, उससे भी विभत्स है, क्योंकि उसने कम से कम हिंदुस्तानियों के सीने पर गोली मारा था। पर ये सरकार, ये शासन, एक मंत्री का बेटा अपने गाड़ी से किसानों को पीठ पे कुचलते हुए निकल रहा है। मतलब सोचिए, किस मानसिकता का पागल व्यक्ति है कि जो किसान अपनी अधिकार के लिए, अपनी हक के, हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो बात नहीं मानेंगे तो उनको मार दिया जाएगा, नरसंहार कर दिया जाएगा। मतलब ये संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का पूरे तरीके से हनन हो रहा है। तो ये इस घटना को, तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको सुन के, इनको देख के। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे, आपकी जो स्थिति है, मतलब कहा नहीं जा सकता कि हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ है। जी सर, जैसे कि अजय मिश्रा जी कहते हैं कि उनका बेटा उस समय मौजूद नहीं थे गाड़ी में, ड्राइवर को पत्थर मारा गया, पत्थर के मारे वो भड़क गया और उन्होंने गाड़ी चलाई है, तो पहली बात वो झूठ बोल रहा है। पूरा वीडियो मीडिया के सामने है। वीडियो में किस तरीके से पीठ, एक चीज़ बताओ आप, ये अगर किसको कोई मार रहा है तो किसी के, जो आदमी आगे जा रहा है लॉजिकली, उसके पीठ से, पीठ पे गाड़ी चढ़ा रहा है, थार गाड़ी उसका बेटा, तो वो पत्थर कैसे मार रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वो झूठ बोल रहा है। और कोई कुछ भी हो, लोगों की मृत्यु हुई है ना उस गाड़ी से, थार से कुचल के हुई है ना उसके बेटे की मृत्यु से, तो वो तो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। तय करना है सरकार को और सत्ता को कि वो किसानों के कत्लेआम नरसंहार करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा होगा या वो किसान के साथ खड़ा होगा। लोगों की मृत्यु हुई है ना उस गाड़ी से, थार से कुचल के हुई है ना उसके बेटे की मृत्यु से, तो वो तो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कह सकता है। तय करना है सरकार को और सत्ता को कि वो किसानों के कत्लेआम नरसंहार करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा होगा या वो किसान के साथ खड़ा होगा। जी सर, जैसे कि देश में हिंसा बढ़ती जा रही है, जगह जगह से क्राइम की न्यूज आ रही है, कभी महिला के साथ रेप हो रहा है, कभी किसी का मर्डर हो रहा है, तो हर जगह जगह हो रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सत्ता का जो नेचर होता है, सत्ता का, जिस तरीके का सत्ता का चरित्र होता है, वो सबके सामने आता है। ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी बीजेपी वाले, इनकी मानसिकता ही ऐसी हिंसक प्रवृत्ति पर रही। इसी हिंसक प्रवृत्ति ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, आज किसानों की हत्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अपने विगत पिछले सालों में जब से योगी आया है, कितने लोगों का एनकाउंटर, कितनी लड़कियों का रेप, और रेप करने वाले बीजेपी के मंत्री, एमएलए, उसके मिनिस्टर रहे, तो ये तो मतलब इस सत्ता, इस पार्टी की सोच सामने जाहिर होता है कि इसकी विचारधारा किस तरीके की है। सर, जैसे कि बताया गया है, जो अजय मिश्रा जी है वो पहले से गुंडा है, उन्होंने धमकी भी दी थी किसानों को, सुधर जाओ वरना हम तुम्हें सुधार देंगे। बस यही चीज़, यही सच है सबके सामने कि जैसी विचार का इंसान होगा वैसा ही उसका चरित्र निकल के आएगा। बाप ने धमकी दी थी, बेटे ने गाड़ियाँ चला दी किसानों के ऊपर। जी सर, तो सर जैसे कि 45 लाख रुपये और गवर्नमेंट जॉब, और जो घायल है उनको 10 लाख रुपये दी गई है, तो ये किस तरह संकेत दिया जा रहा है? ये दबाने के मामला, किसानों को दबाने की कोशिश है, लेकिन किसान दबने वाला नहीं है। जो पूरे राष्ट्र को रोटी खिलाता है, खाना खिलाता है, उसको ये 45 दे के खरीद लेंगे क्या? इनकी औकात नहीं है बीजेपी वालों को कि किसी किसान की एक जमीर को खरीद सके। वो अलग बात है कि आज सत्ता पे बैठा हुआ इंसान, किसी शायर ने कहा कि वश में तेरे है जब तक किए जाए ड्रामा, हर शख्स अभी तेरी तरफ देख रहा है। ये जो ड्रामा करना है, जो तानाशाही करना है, देख ले, लेकिन इसका जवाब यही जनता देगी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बीजेपी और सत्ता में बैठे इन
तानाशाही शासकों के खिलाफ किस तरीके से लोग आवाज़ बुलंद करते हैं, और इस मुद्दे पे जब तक उस मंत्री का मंत्रालय से हटाया नहीं जाता और उसके बेटे को अरेस्ट नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता अपनी डिमांड से पीछे नहीं हटेगा। जी, तो जैसे कि सर कल प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी तक नहीं छोड़ेगा, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। कहा ना कि जो भी सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके साथ यही होगा। गिरफ्तार करना चाहिए था उस पागल सनकी गाड़ी चलाने वाले मंत्री के बेटे को, तो गिरफ्तार कर रहा है उस नेता। तो यही दुर्भाग्य है कि जितनी मतलब ये लोग गिरफ्तारी प्रियंका जी की गिरफ्तारी में दिखा रहे हैं, उसका 1% अगर उस मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने में दिखाते तो किसानों को कम से कम शांति मिलती कि सत्ता का व्यक्ति जाता। तो ये यहाँ पे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा है, सरकार के द्वारा सोची समझी जानबूझ के किसानों का नरसंहार किया गया है जो कि सबके सामने। जी, तो सर जैसे कि कल आम आदमी पार्टी के जो सौरभ भारद्वाज है उन्होंने कहा है कि इस मामले को, हथरस मामले से जोड़ के वो दिखा रहे हैं और कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं और न्याय के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कुछ नहीं बोला, हमारा मानना है कि इसको राजनीति से परे रख के इस पर तमाम लोग, जो भी व्यक्ति किसानों की इस नरसंहार के ऊपर व्यक्तिगत तौर, पर्टिकुलरली मैं इस इंसिडेंट पे कहूँगा कि जो भी लोग किसानों के साथ खड़ा है वो आए और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और उस मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और उसके बेटे को सलाखों के पीछे जितना जल्दी हो उसको सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। जी सर, क्या इस हिंसा का यूपी चुनाव पर कोई असर देखने को मिल सकता है आगे? मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ कि मेरा कोई उद्देश्य राजनीति या चुनाव से लेना देना नहीं है। ये हिंसा अपने आप में हिंदुस्तान की राजनीति को, मानवता को शर्मसार करने वाला हिंसा है कि एक मंत्री का बेटा, बीजेपी के मंत्री का बेटा अपने पागलपन में जानबूझ के किसानों के ऊपर उसके पीठ पे अपनी गाड़ी चला रहा है, उनको रौंदते हुए उसको मारते हुए वहाँ से निकल रहा है। सर जैसे कि आदेश गुप्ता है वक्त वक्त पे कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाए रहते हैं, आम आदमी पार्टी पे, हर एक पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पर इस मामले पे कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, कोई पोस्ट या ट्विटर पे कुछ किसी भी तरह का पोस्ट नहीं करते दिख रहे हैं। देखिए मैं उसके पहले भी कहा कि मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे नेता, कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों ने इस पर बात रखी है। हमारी नेता अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अरेस्ट किया गया है प्रियंका गांधी जी को। कांग्रेस पूरा, कांग्रेस परिवार किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ेगा और जब तक इन किसानों का न्याय नहीं मिलता है हम कहीं नहीं जाने वाले। सर लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे कि बीजेपी को लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी के लिए मेरे पास, सच पूछते हैं तो इस नरसंहार और इसके पहले की कुछ हिंसाओं को देखते हुए मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये जानबूझ के किया गया है। आप किसी को मैसेज तब दोगे जब वो अनजाने में करता है, किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए जानबूझ के ये किया गया है हिंसा है। इसके लिए बीजेपी के लिए बस इतना ही मानना है कि इसको राजनीति से परे रख के इस पर तमाम लोग, जो भी व्यक्ति किसानों की इस नरसंहार के ऊपर व्यक्तिगत तौर, पर्टिकुलरली मैं इस इंसिडेंट पे कहूँगा कि जो भी लोग किसानों के साथ खड़ा है वो आए और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे और उस मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और उसके बेटे को सलाखों के पीछे जितना जल्दी हो उसको सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। जी सर, क्या इस हिंसा का यूपी चुनाव पे कोई असर देखने को मिल सकता है आगे? मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहता हूँ कि मेरा कोई उद्देश्य राजनीति या चुनाव से लेना देना नहीं है। ये हिंसा अपने आप में हिंदुस्तान की राजनीति को, मानवता को शर्मसार करने वाला हिंसा है कि एक मंत्री का बेटा, बीजेपी के मंत्री का बेटा अपने पागलपन में जानबूझ के किसानों के ऊपर उसके पीठ पे अपनी गाड़ी चला रहा है, उनको रौंदते हुए उसको मारते हुए वहाँ से निकल रहा है। सर जैसे कि आदेश गुप्ता है वक्त वक्त पे कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाए रहते हैं, आम आदमी पार्टी पे, हर एक पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पर इस मामले पे कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, कोई पोस्ट या ट्विटर पे कुछ किसी भी तरह का पोस्ट नहीं करते दिख रहे हैं। देखिए मैं उसके पहले भी कहा कि मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे नेता, कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों ने इस पर बात रखी है। हमारी नेता अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अरेस्ट किया गया है प्रियंका गांधी जी को। कांग्रेस
पूरा कांग्रेस परिवार किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ेगा, और जब तक इन किसानों का न्याय नहीं मिलता है हम कहीं नहीं जाने वाले। सर लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे कि बीजेपी को लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी के लिए मेरे पास, सच पूछते हैं तो इस नरसंहार और इसके पहले के कुछ हिंसाओं को देखते हुए मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये जानबूझ के किया गया है। आप किसी को मैसेज तब दोगे जब वो अनजाने में करता है। किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए जानबूझ के ये किया गया है, हिंसा है। इसके लिए बीजेपी के लिए बस इतना ही कहूँगा कि अभी भी होश में आ जाओ। जिस जनता ने सिंहासन पर बैठाया है वो सिंहासन से हटा के और उनको ज़मीन पर ला देगा। मेरा यही मैसेज है कि किसानों का कत्लेआम बंद करो। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद 10 न्यूज़ से बात करने के लिए। सर शुक्रिया फिर से किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दौर में जिस तरीके से मीडिया, गोदी मीडिया चुप है, उसमें आप जैसे लोग किसानों के मुद्दों की आवाज़ को उठा रहे हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो जैसे कि आपने देखा लेकिन पूर्व में जिस तरह का हिंसा हुआ, अनेक पार्टी वहाँ पे जा रहे, हर एक पार्टी कॉन्फ्रेंस कर कर के बता रहे कि किस तरह का मामला है वहाँ पे। दिल्ली से ईशा प्रतिहस, 10 न्यूज़ नेटवर्क।